हेलो फ्रेंड्स, मैं सुकांति, सुकांति के किचन में आप लोगों का स्वागत है। और सॉरी सॉरी, मैं वीडियो नहीं बना पाई और 4-5 दिन हो गया मैं वीडियो नहीं बना पाई, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ब्लॉग नहीं दे पाई या तो रेसिपी नहीं दे पाई, क्योंकि मन थोड़ा अच्छा नहीं था तो मैं नहीं बना रही थी। और ये आलू ले लिया है मैंने उबाल कर, तो इसको मैं अभी छीलूंगी फिर काट लूंगी। मैं अपने अंदाज से मैं काट लूंगी, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने आलू को छोटे हिस्सा से काट लिया है मैंने, और लहसुन मैंने छील कर ले लिया है, उसको भी कूट लिया है, और हरी मिर्च बारीक बारीक दो काट लिया है, दो हरी मिर्च है। तो चलिए जीरा आलू बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई रख दिया है पहले से, अभी गर्म हो चुका है कढ़ाई, तो मैं अभी घी डाल देती हूँ। मैं देसी घी में बना रही हूँ, ऑयल में नहीं बना रही हूँ, तो ऑयल डाल रही हूँ। ये देखिए, अपने हिसाब से डालिए। मैं 2 टेबल स्पून घी ले लिया है, और थोड़ा सा ले लेती हूँ, 2 टेबल स्पून से थोड़ा कम है घी। तो फ्रेंड्स, घी गरम हो चुका है, अब इसमें देख लीजिए मैं क्या क्या डाल रही हूँ। जीरा ले लिया, ये देखिए जीरा डाल दिया, बारीक बारीक हरी मिर्च को डाल रही हूँ, ये देखिए। मेरे पास करी पत्ता था तो मैं करी पत्ता भी डाल रही हूँ, और जो लहसुन मैंने कूट कर ले लिया था छील कर, उसको भी डाल रही हूँ। देख लीजिए, जीरा अच्छे से ब्राउन हो चुका है, और हरी मिर्च भी एकदम अच्छे से पक चुका है, मतलब कड़क हो चुका है। अब लहसुन को थोड़ा ब्राउन होने देंगे। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा और मसाला डालूंगी, वो क्या मसाला है वो भी बता देती हूँ। ये धनिया पाउडर है, ये मेरा सीक्रेट पाउडर है, जो मतलब किसी को पता नहीं है कि मैं क्या डालती हूँ तो अच्छा लगता है। ये हल्दी डाल दिया, अब मैं कटी हुई आलू को ऐड कर रही हूँ। अच्छे से चला देंगे अभी। आलू को अभी मैं मसाला अंदर तक जाने तक मैं कम से कम 5 मिनट तक पकाऊंगी। पहले नमक डाल देती हूँ, स्वाद अनुसार नमक। मैंने नमक ऐड कर दिया है, इसको अच्छे से मिला देती हूँ। पहले नमक डाला है तो इसको मिलाना जरूरी है, सारे तरफ नमक अच्छे से लग जाए। अभी इसको मैं 5 मिनट तक ढक ढक पकाऊंगी। देखिए, मैंने ढक्कन लगा दिया, 5 मिनट तक मैं बीच बीच में चेक करूंगी, 5 मिनट तक इसको पकाना है अभी। तो फ्रेंड्स, आलू को 5 मिनट हो चुका है, तो फ्रेंड्स आलू को 5 मिनट हो चुका है,
तो मैं बीच बीच में चलाते रही इसको, और इसको मैं मीडियम गैस में ही भूना है। तो चलो खोल, मैं कवर हटा कर देखती हूँ। देख लीजिए आलू का कलर कितना बढ़िया आया है, इस तरह। मैं गैस बंद कर देती हूँ, और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं हरी धनिया काट के रखी थी उसको डाल रही हूँ। ये देखिए ऐड कर दिया मैंने। तो मैं इसको अच्छे से मिला देती हूँ। देख लीजिए कितना सुंदर दिख रहा है जीरा आलू का सब्जी। आपके घर में मेहमान अगर आते हैं तो इस तरह बना कर खिलाएं, एकदम जीरा आलू खाकर खुश हो जाएंगे। इस तरह एक बार बना कर देखिएगा जरूर, बिना स्किप करिए वीडियो को भी देखें। और तो आज का जीरा आलू कैसा लगा आप लोगों को, और जीरा आलू का रेसिपी कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।